काम कर रहा है राइट। ओके, सो वेलकम टू पेट कैरेट, जहाँ मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये पीछे जो सिस्टम आप देख रहे हैं वो मैंने किस तरीके से बनाया। राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शो यू। तो ये है मेरा छोटा सा फिश रूम, जहाँ पे मैंने ऑल टोटल 40 टैंक्स बनाए हैं, और हर एक टैंक सेपरेट टैंक है। सेपरेट टैंक्स मेरा मतलब है कि हर चीज़ डिवाइडेड है एक दूसरे से। लाइक ये एंजल इस नियॉन टेट्रा से अलग है, तो इफ इन केस किसी में डिसीजेज आती है तो वो स्प्रेड आउट नहीं होगी। दैट वॉज द पॉइंट कि मैंने 40 टैंक क्यों बनाए हैं। एंड सेकेंड ऑफ ऑल वी हैव दिस नेट, राइट। तो ये नेट इसीलिए है ताकि ये जो फिशेस है जो कूदती रहती है वो यहाँ पे टकरा के वापस अंदर चली जाए। फिर नेक्स्ट अप वी हैव दिस वॉल्स। ये जो वॉल्स आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें से वाटर आता है, लाइक पानी आता है। एंड यहाँ पे जो आपको वॉल दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे ये है हमारा वाटर ओवरफ्लो वॉल, जिसकी वजह से पानी सारा का सारा इस पाइप से होते हुए बाहर जाता है, लाइक ड्रेनेज में। एंड अगेन आपको ये जो वाइट कलर का वाल्व दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा एयर वाल्व है जो यहाँ पे कनेक्ट होता है। राइट, अरे साइड हटो यार, अच्छा यहाँ पे देख लेते हैं, जो यहाँ पे कनेक्ट होता है जहाँ से ऑक्सीजन आती है। एंड उसके बाद में वी हैव आर ऑक्सीजन मशीन विच इज HAP 60 हीलियम विद अ स्मार्ट प्लग, जिसे हम 1 आवर के इंटरवल में यूज़ करते हैं, जिसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी की बहुत बचत होती है। राइट, तो ऑल ओवर सिस्टम ये है। हाँ ओके, वन मोर थिंग, देयर इज अ लाइट, ओके 20 वॉट LED लाइट। सो ऑल टोटल यहाँ पे अराउंड 8 लाइट्स लगाई गई है। इट इज़ प्रिटी ऑटोमेटिक सिस्टम, लाइक सेमी ऑटोमेटिक सिस्टम। फूड हटा के वाटर चेंजेस लाइक एवरी डे इन 24 आवर्स, यहाँ से यहाँ तक का जो वाटर है वो चेंज होता है। लाइक 25% वाटर इज चेंज एवरी डे। इसका मतलब अगर मेरे 40 टैंक्स है एंड ऑल 40 टैंक्स को कैलकुलेट किया जाए तो इट इज़ अराउंड 3000 लीटर्स। तो 3000 लीटर में एवरी डे हम जब चेंज करते हैं वहाँ हमें, मैं 1 सेकेंड में, ये जो यहाँ पर टैंक लगी हुई है वो है अराउंड 1000 लीटर्स की। एंड ये 1000 लीटर की टैंक हमारे इन 40 टैंक्स को फीड करता है। इन द सेंस एवरी डे मैं यूज़ कर रहा हूँ अराउंड 1000 लीटर्स वाटर। तो ये जो सिस्टम आपको दिख रहा है ये नदी के जैसा है, लाइक इट इज़ लाइक अ रिवर कि रोज पानी आएगा रोज जाएगा। तो एवरी थिंग इज क्रिस्टल क्लियर एंड फ्रेश, आप यहाँ देख सकते हैं। इट इज़ सो क्लियर कि ज़्यादा चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है ही नहीं। ऊपर से वी हैव दिस प्लांट्स, वी हैव क्लैम्स मसल्स जो कि पानी को प्योर करते रहते हैं। राइट, तो बेसिकली मैंने ये कोशिश किया हूँ कि फिशेस को एक अच्छा एनवायरनमेंट, क्वारंटीन एनवायरनमेंट मिले ताकि वो अच्छे से सेपरेटली रहे। और आपको ये टैंक्स छोटे दिख रहे होंगे, बट दीज आर वेरी बिग टैंक्स। दीज आर अराउंड 1.5 फीट, 1.5 फीट के टैंक्स होने पर फिशेस को अच्छी खासी जगह प्रोवाइडेड है। राइट, वो दिखने में ऐसा दिखता है बट देर इज अ लॉट ऑफ स्पेस हियर। तो इसी तरीके से मैंने इसको डिज़ाइन किया है। तो अभी आपने देखा है मेरा फिश रूम जो कि सेमी ऑटोमेटिक है, विद ऑल द वाटर चेंजेस, लाइट, ऑक्सीजन सिस्टम। इन फ्यूचर मैं वाटर फीडर्स भी लगाने की कोशिश करूँगा, बट मीन वाइल मैं चाहता हूँ कि आप सब इसकी पूरी जर्नी देखें मेरे साथ कि हाउ आई स्टार्टेड, हाउ आई क्रिएटेड दिस ऑल फ्रॉम स्क्रैच। जो आप देख रहे हैं अभी वो पूरा का पूरा मेरे ही दिमाग से बनाया गया है। जो आपने देखा है वो एग्जैक्टली 95% वैसा ही है जैसा मैं चाहता था। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस जर्नी को इंजॉय करें।
जितना मैंने किया है, बिकॉज दिस इज़ माई हॉबी, दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू डू. सो इसके बाद मैं एक सीरीज चालू करूँगा जिसमें मैं अपलोड करूँगा कि हाउ आई क्रिएटेड एवरी थिंग फ्रॉम स्क्रैच स्टेप बाई स्टेप. तो आई होप यू विल लाइक इट. सो दिस वॉज मी एंड माई बेस्ट रूम. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. हैप्पी स्केटिंग.